एसबीएस न्यूज सच का साथी। राजधानी लखनऊ के प्रेस क्लब में जमात ए इस्लामी हिंद लखनऊ की ओर से संगोष्ठी की प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें सोहरत अली खान ने कहा कि मानव इतिहास में हमें एक से एक समाज सुधारक दिखाई देते हैं, लेकिन जब हम उनकी शिक्षाओं, कारनामों और उन कारनामों के नतीजे में हुए सुधार को देखते हैं तो भलाई के चंद मामूली असरात के साथ तरह तरह की बुराइयां दिखाई पड़ती हैं। इनमें कोई एक पक्ष भी ऐसा नजर नहीं आता जो पूरे के पूरे इंसान को अंदर से बदल सका हो। जो सुधारकों में कुछ ऐसे सुधारक आए हैं जो ईश्वर की तरफ से, यानी ईश्वर के संदेष्टा के तौर पर आए। आप जो है ये मानना है कि ईश्वरी संदेष्टाओं में आखिरी संदेष्टा है, और आपकी जो शिक्षाएं, आप जिस वक्त नबी की हैसियत से यहाँ मक्के के अंदर मबूस हुए, उस वक्त से लेके आज तक वो शिक्षाएं पूरी की पूरी सुरक्षित हैं। और जो समाज वहाँ का था, जिस तरह से वहाँ महिलाओं के साथ अत्याचार होता था, गुलामी प्रथा चल रही थी, लड़कियाँ जिंदा गाड़ दी जाती थी इस उसमें कि ये हम किसी को अपना दामाद न बनाएं, इस तरह की शराब नोशी, कोई ऐसी बुराई नहीं थी जो वहाँ पर मौजूद ना हो, बल्कि पूरी दुनिया अंधकार में डूबी हुई थी। तो आपने वहाँ से ईश्वरी आदेशों के अनुसार कार्य शुरू किया और वैचारिक परिवर्तन किया। आज नियम तो हमारे पास बहुत से हैं, यहाँ जरूरत यह है कि सिर्फ नियम बनाने के, सिर्फ बना लेने से काम नहीं चलना। एबीपीएस न्यूज़ सच का साथी।